वित्तीय घाटे पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने में नाकाम रही केंद्र सरकार ने अब शीर्ष कर अधिकारियों के लिए फरमान जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने अधिकारियों से कहा है कि वो दिसंबर से मार्च तक हर महीने 1,10,000 रुपए जीएसटी संग्रह करें। आर्थिक मोर्चे पर लगातार बुरी खबरों का सामना कर रही मोदी सरकार ने अब वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि इस वित्त वर्ष के बचे हुए 4 महीनों में अधिकारी सरकार का खजाना भरने में जुट जाएं। दरअसल नवम्बर को छोड़ दें तो अगस्त से ही जीएसटी कलेक्शन में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। अगस्त में कुल 98,202 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ था। सितंबर में ये गिरकर 91,916 करोड़ रुपए रहा। अक्टूबर में ये 95,380 करोड़ रुपए रहा। हालांकि नवंबर में इसमें सुधार हुआ और जीएसटी 6% वृद्धि के साथ 1.03 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, लेकिन बावजूद इसके ये लक्ष्य से कम ही हासिल हो पाया था। ऐसे में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शीर्ष कर अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि वो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करें। वित्त मंत्रालय ने 4 महीनों दिसंबर से मार्च तक हर महीने 1,10,000 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों से कहा गया है कि फील्ड इन्फोर्समेंट ड्राइव के दौरान किसी भी करदाता को अनावश्यक परेशान न किया जाए। आपको बता दें कि लगातार वित्तीय घाटा बढ़ता जा रहा है और इसकी भरपाई के लिए अब सरकार ने अधिकारियों के लिए फरमान जारी किया है। सरकार का मानना है कि इसकी भरपाई से ही वित्तीय घाटे में कमी की जा सकती है। अगर राजस्व घाटा कम होगा तो ही मंदी का दौर खत्म होगा और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।